नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त पद्मासना, जिसे हिडन लोटस पोज भी कहा जाता है, को सबसे आसान तरीके से कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। दोस्तों यह अभ्यास स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से आप अपने मन को काबूमय कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि असंतुष्ट मन की समस्या को दूर करने वाला लाभकारी अभ्यास है। यह अभ्यास हमारे हाथों और शरीर के ऊपरी हिस्सों के लचीलेपन को बढ़ाता है, साथ ही हमारे पैर और हिप्स को टोन करता है। इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन काफी मजबूत बनती है। जिन लोगों को स्पाइन से जुड़े विकार होते हैं वह दूर होते हैं। साथ ही इस अभ्यास को करने से हमारी श्वसन संबंधी विकार भी दूर होते हैं। दोस्तों जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है, उन लोगों ने भी इस अभ्यास को नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि गुप्त पद्मासना, जिसे हिडन लोटस पोज भी कहा जाता है, को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों गुप्त पद्मासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपने बिल्कुल सीधी रखते हैं, और इसके बाद आपने पद्मासना को लगाना होता है। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए सबसे पहले आप ऐसे ही पद्मासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लें। जब आप ऐसे ही आरामदायक स्थिति में पद्मासना लगा लेते हो, तभी आप गुप्त पद्मासना को प्रैक्टिस करें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट ऐसे ही गुप्त पद्मासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों यह अभ्यास हमारे हाथों और हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से के लचीलेपन को बढ़ाता है और साथ ही हमारे पैर और हिप्स को भी टोन करता है। और इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। अगर आप पहली बार इस अभ्यास को कर रहे हैं और अपने पीठ के पीछे से जाकर ऐसे प्रणाम मुद्रा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस अभ्यास को ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे शोल्डर के पास रख देते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखे हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छाती को ऐसे अपनी छोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ही इसे 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद गुप्त पद्मासना को आप इस तरीके से भी वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और फिर ऐसे आपने पेट के पर सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह अभ्यास हमारे शरीर में उठ रहे दर्द और तनाव को दूर करने वाला एक लाभकारी अभ्यास है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इस हिडन लोटस पोज को प्रैक्टिस
करना होता है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आ जाते हैं। इस अभ्यास को करने के बाद आप पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार करने के बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाते हैं और ऐसे अपने नीच को अप डाउन करते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही इस हिडन लीटर पोज को आप 3 से 4 बार नियमित 2-2 मिनट होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए।